हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास श्रीवास्तव अगेन आपके सामने आया हूँ वही दिन में मैट्रिक के कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेके। देखिए क्वेश्चंस क्या है, cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इन आवर ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा। मींस cos थीटा को बेस लेके आपको sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है और उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम जानते हैं cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू होता है आपका b अपॉन h। प्रीवियस वीडियो में देखा होगा हमने इससे वैल्यू अलग फाइंड आउट की है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी के माने आपको 13, परपेंडिकुलर कितना के माने जो कि अनुमान हमें फाइंड आउट करना है। क्यों हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े, देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ बेस कितना दिया गया है आपको 12 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, बी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन कितना निकला आपकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 13, और अगेन इसी में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी b अपॉन b, मींस परपेंडिकुलर कितना है वैल्यू 5 अपॉन बेस कितना है 12। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज sin थीटा इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 10 थीटा। ओके स्टूडेंट, देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 अपॉन 13, तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे यहां पे 5 अपॉन 13, 1 प्लस 10 थीटा, 10 थीटा वैल्यू कितनी है आपकी 5 अपॉन 12। ओके, देन 5 अपॉन 13 एलसीएम कितना आ गया आपका 12 प्लस 5, यहां पे अपन सॉल्व करेंगे 5 अपॉन 13, 12 और 5 हो गया आपका कितना 17 अपॉन 12। ओके, नाउ वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 85 अपॉन 156, मींस आपको वैल्यू कितनी मिल गई, साइन थीटा 1 प्लस 10 थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी साइन थीटा इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 10 थीटा, इसकी वैल्यू आपको ऑप्शन हुई है 85 अपॉन 156। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा क्वेश्चंस। देखिए एक बार फिर समझ को रिवाइज करते हैं, आपको cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13 दिया गया है, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है साइन थीटा 1 प्लस 10 थीटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट की, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकली आपकी 5, देन sin थीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी p / h, मींस 5 / 13 हमने रखा, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा p / मींस 5 / 13, ये वैल्यू हमने इसमें पुट की और वी हैव टू कैलकुलेट गेट द आंसर 85 / 156। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिमिलर इसी के ऐसे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 / tan थीटा + sin थीटा / 1 + cos थीटा। देखिए सबसे पहले cos sec थीटा, आप जानते हैं cos sec थीटा, cos sec थीटा आपको पहले ही बोल चुके हैं, आपको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा cos sec थीटा इक्वल टू क्या होता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं cos sec थीटा ये अपोजिट होता है किसका, sin थीटा का। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है अपनी p / h, तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी h / p, मींस यहां पे हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसके आप अपने नंबर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन अ सेम नंबर। देन अगेन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे हम देखें h की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका 1 का होल स्क्वायर और बेस आपको फाइंड करना है। क्यों हमें बेस फाइंड आउट करना है, क्योंकि tan थीटा और cos थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस b का होल स्क्वायर,
4 minus 1 that is a 3 is equal to V का whole square. You can find root 3 is equal to this. This कितना मिल गया आपको root 3. अब हमें value किसके find out करना है? 10 theta. 10 theta is equal to कितना हो जाएगा? Yes, students. आया दिमाग में? क्या होगा 10 theta is equal to V upon B. Perpendicular कितना है? Perpendicular की value 1 है. Base कितना find out किया? Root 3. अगेन आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन थीटा ओके साइन थीटा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा या इसको हम पहले सकते हैं p अपॉन h परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 और हाइपोटेन्यूस कितना है रूट 3 देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा के लिए वैल्यू फाइंड आउट करें कोस थीटा इक्वल टू हो जाता है p अपॉन h मींस बेस कितना निकाल लिया अपन ने रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको गिवन है That value we can put in on that equation. So now we have to calculate. Now look at that. 1 upon tan theta plus sin theta upon 1 plus cos theta. Okay? Students, now look at that. Sin theta. Sin theta ki value kitna ho jayegi? Abhi humne find out ki 1 upon root 3. Okay? Then, 1 upon tan theta. Tan theta ki value kitna hogi hamari? 1 upon root 3. Then we have to find that the value of yes, it's actually थोड़ा सा हो गया है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी निकली है आपकी 2 यहां पे अपन 2 रखेंगे तो हो जाएगा tan theta is equal to 1 by root 3 then sin theta की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 upon 2 and cos theta that value is root 3 upon 2 यहाँ पे हम ये देखेंगे वन अपॉन रूट रूट थ्री कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो रूट थ्री यहाँ हो जाएगा वन अपॉन टू यहाँ हमने एलसीएम लिया कुछ भी नंबर नहीं है तो अपन एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम कितना आ गया आपका टू टू का मल्टीप्लाई वन मिल गया तो टू प्लस रूट थ्री ये टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल देन आपको वैल्यू फाइंड होगी रूट थ्री वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज आएंगे क्या कर सकते हैं आप लोग करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लास 9 में आपने देखा होगा कि 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इसको हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे कैसे देखिए रूट 3 आपका एलिमिनेट चलेगा रैशनलाइजेशन मींस होता है 2 प्लस रूट 3 है वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द अपोजिट साइन मींस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 देन यहाँ पर रूट 3 एज इट इज चलेगा यहाँ पे हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी आपको मालूम है नहीं है तो देखिएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी व्हाट इज द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर दैट वैल्यू इज 4 रूट 3 होल स्क्वायर दैट वैल्यू इज 3 बट हियर वी कैन यूजिंग द साइन इज अ माइनस वी कैन राइट माइनस 3 देन 2 माइनस रूट 3 और आपका वैल्यू क्या होगी रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 4 माइनस 1 दैट इज द वैल्यू 1 रूट 3 कैंसिल दैट इज द आंसर इज 2 यदि आप यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करते तो कॉम्प्लिकेट हो जाता और बहुत का आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता ओके स्टूडेंट्स थैंक यू